देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में आज हम बात कर रहे हैं पेरेंटल इंगेजमेंट के बारे में। जब हम कहते हैं पेरेंटल इंगेजमेंट तो फौरन दिमाग में आता है माँ अजीम है, माँ का रोल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, मगर पेरेंट्स का मतलब है माँ और बाप। कितना ज़रूरी है क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ, इस बारे में हम बात करेंगे। और हम कहते हैं कि पेरेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें सही हैं और बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, मगर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है किसी के लिए कोई चीज़ जो है वो सही हो और आपके लिए सही ना हो, या आप उसको अप्लाई ना कर सकें। इस वजह से हमारे साथ शो में एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी हर एक को दिखती है, एक नहीं दो नहीं। शी हैज़ माशाल्लाह 4 अमेजिंग चिल्ड्रेन, उनकी अपब्रिंगिंग, साथ में बहुत एक्टिव हैं, वो क्या नहीं है, वो मॉडल हैं, वो इंस्टाग्राम पे आप उनको देखते हैं। शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ ऑल्सो बिजनेस वूमेन, मेकअप सिखाती हैं बहुत सारे लोगों को। और इसके अलावा ऑफ कोर्स जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं तो सरे फहरिस्त उनका नाम आता है। मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली नादिया हुसैन की। वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक नादिया, वेरी हैप्पी टू सी यू इन द मॉर्निंग। यस, सेम हियर। आपसे जानेंगे हम वो राज, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स टू बी अ वेरी गुड पेरेंट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। और साथ साथ हमारे साथ जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं तो ऑफकोर्स कितना ज़रूरी है बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, उसके हिसाब से उनको हैंडल करना, हमारे साथ मौजूद है आमना अलाउद्दीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जनाब एक लिविंग एग्जांपल से, नादिया हुसैन। नादिया, आप कैसे मैनेज करती हैं बीइंग सो बिजी एंड सक्सेसफुल एंड हैविंग 4 किड्स? हाउ डू यू मैनेज? सो यस, इट इज डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग, यू नो, लाइक बहुत सी चीजें होती हैं जो कि एज पेरेंट्स हम लोगों को मैनेज करनी होती हैं। सो जो तुमने पहले बात कही थी कि माँ एंड बाप दोनों का रोल कितना ज़रूरी है, सो ऑफ कोर्स आई एम वन ऑफ दोज काइंड ऑफ पेरेंट्स हु डोंट टेक दैट, नॉट पेरेंट्स, रादर आई एम वन ऑफ दोज काइंड ऑफ मदर्स हु डोंट टेक द ओनस कम्प्लीटली ऑन माई सेल्फ। यस, कि मैं कहती हूँ कि भाई अगर मैं नहीं मौजूद हूँ फॉर एग्जाम्पल तो इट्स फाइन, आई मीन माई हस्बैंड इज ऑल्सो देयर and there are lots of things which can be managed by him as well, and phir I would say ke, you know, like it does, it's not just about the parents as well. Bahut si aisi situations mein aapke jo apne grandparents hote hain, jo bachchon ke jo grandparents hote hain, aapke apne maa baap hote hain, wo bhi balki you know unka bhi role aa jata hai uske andar. To I to truly believe that it takes a village to raise children. Absolutely, it's and it's not possible ke aap akele jo hain wo maa ya baap khud jo hain wo sab kuch manage kar le, ke kaam bhi kare. Aur aajkal ka lifestyle actually aisa ho gaya hai that पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आर क्वाइट, उन लोगों को काम भी करना ज़रूरी है घर के खर्चे पूरे करने की खातिर, तो साथ साथ में जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसमें और ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं. तो फिर यू नो, वन शुड नॉट एज अ मदर पर्टिकुलरली आई फील के ये गिल्ट जो है ना, ये नहीं माँ को लेना चाहिए कि अगर मैं अकेली जो है वो नहीं सब खुद कर पाती तो फिर क्या होगा मेरे बच्चे का, यू नो, लाइक दैट जब फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है, जब फादर की इन्वॉल्वमेंट होती है, भले आप ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें उसके अंदर, तो बच्चे जो हैं आई फील दे बिकॉज उनकी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा लोगों से भी होती है, यू नो, आपकी अपनी फैमिली के लोगों से, तो वो दे लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम एवरीबडी. एंड ये चीज़ जो है फिर मुझे लगता है कि एज बींग अ फैमिली आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए. क्यों? बिल्कुल उठाना चाहिए. और जैसे कि अभी नादिया ने कहा, हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट, ग्रैंड पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, सारे जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. खासतौर पर पाकिस्तान में हमें यह आसानी भी है कि इट्स नॉट इवन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, मगर करीब करीब भी अगर हम रहते हैं तो फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट? वेल, चलते हैं आमना की तरफ. आमना, अगर हम बात करते हैं, इट्स अ क्लीशे क्वेश्चन आई नो, कि भाई बाप का रोल क्या है और माँ का रोल क्या है, मैं चाहूँगी आप इसको ज़रा एलैबोरेट करें कि क्या सारी चीज़ें माँ बाप दोनों कर सकते हैं. ओके, मॉडर्न पेरेंटिंग में तो रोल्स बहुत ज़्यादा रिवर्स भी हो गए. ठीक है, डिपेंड करता है कि एक्टिव पेरेंट कौन है. कभी कभार क्या होता है, अगर आप उन हाउस होल्ड में देखते हैं जहाँ मदर काम कर रही है एंड फादर प्रोमिनेंटली घर पर हैं, वहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, इमोशनल अटैचमेंट, ये सारा फादर प्रोवाइड कर रहे होते हैं. वो हाउस होल्ड जहाँ पर मदर घर पे होती हैं, फादर काम कर रहे होते हैं, तो भी यही तीन रोल्स प्रोमिनेंट होते हैं.
बात मॉडर्न पेरेंटिंग की तब आती है जब आप देखते हैं कि दोनों पेरेंटिंग पेरेंट्स काम कर रहे हो या दोनों पेरेंटिंग पेरेंट्स काम ना कर रहे हो, तब आप देखते हैं बच्चों के अंदर डिफरेंस। क्योंकि जब आपके दोनों एक्टिव पेरेंट्स थोड़े टाइम के लिए बाहर हैं तो आपको वो अटैचमेंट किसी और चीज़ से एसोसिएट करनी होती है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड आपकी एसोसिएशन से बिल्डअप होता है। बिल्कुल। सो इफ नॉट मदर देन फादर, इफ नॉट फादर देन समवन एल्स नीड्स टू बी देयर। एंड क्योंकि आजकल हम मॉडर्न पेरेंटिंग में देखते हैं दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है हम बच्चों को किन चीज़ों से एंगेज कर रहे हैं ताकि उनकी बेसिक डेवलपमेंट जो कि सोशल इमोशनल फिजिकल ये होती है वो कहीं पे हैम्पर ना हो जाए, क्योंकि प्रेजेंस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ वी से प्रेजेंस 24/7 इज इम्पॉर्टेंट, नहीं, प्रेजेंस एक्टिव इज इम्पॉर्टेंट। आप दो घंटे बैठे लेकिन आप इतना एक्टिवली एंगेज हो कि आप वो सारे कॉम्पोनेंट्स को बच्चों को प्रोवाइड कर दें, रादर देन हम दो घंटे बैठे और हम अपने फोन पे उस वक्त भी लगे हों, हम काम को ना छोड़ पा रहे हों, हम 24 घंटे उसके साथ हों लेकिन हम एक्टिवली उसे एंगेज ही ना कर पा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात की आपने आमना, और मैं चाहूंगी इस पे एम्फसाइज भी करूं। मैंने नादिया को, हम काफी सारे शोज में साथ थे, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की एंड आई कुड नॉट बी नॉट इम्प्रेस्ड कि नादिया की ना हर चीज़ का एक टाइम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नादिया की लाइफ में। और एक बार एक ब्रेक हुई थी किसी चैनल पे और नादिया को कॉल आई थी कि गलती से आपके बच्चे को किसी गलत स्कूल में ड्रॉप कर दिया था, एंड लाइक ओ माई गॉड, एंड ऑफ कोर्स यू वर स्ट्रेस्ड आउट, आप उसको भी संभाल रही थी, काम भी कर रही थी। तो नादिया, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा बहुत अच्छा ये पॉइंट था कि जो एक गिल्ट होती है माँ में कि नहीं मैं 24 घंटे बच्चे के साथ नहीं हूँ। वी हैव सीन सम मदर्स जो कि होम मेकर्स हैं और वो हर वक्त बच्चे के साथ हैं, मगर वो हर वक्त गुस्से में हैं, एजिटेटेड हैं, चिड़ी हुई हैं, 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऑफकोर्स वो नहीं करती हैं, आप क्वालिटी टाइम देती हैं। आपको किस तरह ये टाइम ज़्यादा बेहतर लगता है उस क्वांटिटी वाले टाइम देने से? सो यू नो लाइक इट्स एक बड़ा यू नो लाइक पेरेंटिंग ऑफ कोर्स यू नो लाइक इट्स नॉट जस्ट एक सिंपल सा सोल्यूशन नहीं है। हर एक को जो है वो अपनी जो आपकी लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आपकी अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप अपने बच्चे को जिस तरीके से आपको इंगेज रखना है, उसके साथ जो एक्टिविटीज़ करनी है या उसके साथ किस तरीके से जो है वो एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है, दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक यू नो लाइक एक हर इंडिविजुअल फैमिली का अलग एक हिसाब किताब होता है। तो जहाँ पे होम मेकर किस्म की खातून है जो कि सिर्फ घर पे है, उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बच्चों की भी आ जाती है। तो यू नो लाइक आई डू फील दैट दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग चैलेंज एंड फॉर द वुमन, बिकॉज यू नो लाइक वो सुबह से लेके रात तक जो है वो सिर्फ यू नो लाइक वो उन्हीं कामों में ही मसरूफ है, कोई छुट्टी नहीं है। हाँ, कोई छुट्टी नहीं है। एंड वेयर इज ऑन द अदर हैंड के एंड ऑल्सो के अगर उसके पास हेल्प नहीं है, हेल्प इन द सेंस ऑफ डोमेस्टिक हेल्प और फैमिली हेल्प उसके पास नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो और ज़्यादा चैलेंजिंग आई फील हो जाता है। जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे आपके पास हेल्प होती है, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प हो या फिर आपके पास फैमिली की हेल्प हो, तो फिर इट एक्चुअली डज बिकम अ लॉट ईजियर। एंड दैट इज़ वेयर आई फील दैट यू नो लाइक एज अ मदर आप वो गिल्ट जो है वो नहीं लें जो जो आप, लेकिन यस ये एक आपको एक कंसर्टेड एफर्ट करनी होती है कि जब आप अपने बच्चे के साथ हैं तो मतलब कि आप उसके साथ किस किस्म का एक रवैया रख रहे हैं, किस किस्म का आप डिसिप्लिन क्या आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और क्या उसकी रूटीन आप रखना चाह रहे हैं, उनको बच्चों को किस चीज़ में आप इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। भले जो है वो अगर आप यू नो लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ पेरेंट्स हु कैन नॉट इवन अफोर्ड दैट वे, अगर देखा जाए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो नहीं करा सकते, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, वो गलियों में यू नो खेल रहे होते हैं, विच इज़ फाइन। यू नो लाइक आई फील कि वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आ जाता है ऑफ सोशल डिवेलपमेंट। लेकिन फिर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल भी जो हैं वो बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते हैं और फिर वो ऐसी एक्टिविटीज़ उनकी रखते हैं कि फिर वो खुद जो है वो उनको उनको इधर उधर लेके जाना होता है, वो भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। यू नो सो आई फील दैट
लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि कोई एक जो है ना वो फॉर्मूला नहीं है. आपको अपनी अपनी फैमिली की जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आपको यू नो लाइक चलना है. लेकिन बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज आई ट्रूली डू फील के जहाँ पे बच्चे जो हैं वो अगर अगर लाइक यू नो लाइक देर आर लॉट्स ऑफ केसेस के जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों को जैसे कहते हैं ना खुली छुट्टी है, हर चीज़ की खुली छुट्टी है, क्योंकि चाहे वो माँ घर पे हो लेकिन वो और कामों में इतना बिजी हो, या फिर ये है कि माँ बाप अगर काम कर रहे हैं तो फिर वो है ही नहीं. तो इस सिचुएशन में बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं, दोनों सिचुएशन में बच्चे बिगड़ जाते हैं. अगर माँ घर पे है और वो टाइम भी नहीं दे पा रही है, या माँ बाप घर पे नहीं है और वो टाइम नहीं दे पा रहे, दोनों सिचुएशन में बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं. तो आपको अपने बच्चे की डिसिप्लिन के लिहाज से जो है पर्टिकुलरली और उनकी आदतें क्या हैं, उनकी उनकी सोच क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स यू नो लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई मीन बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देनी चाहिए हैं बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के भाई अपने कपड़े उठा के जो है ना वो बास्केट में डालो, अपने जो है वो जूते उठा के जो है वो एक जगह पे रखो. इस तरीके से नहीं है नो कि जी बस आए और इधर उधर जो है ना वो, मतलब अगर आपको बच्चे को पानी भी पीना है तो वो बच्चा खुद उठ के जो है वो पानी जाके पी सकता है. मतलब यू नो जरूरी नहीं है अगर ग्लास उसने रखा है तो फिर ग्लास एक वापस आप किचन में जाके रखें, ना कि ये कि इधर उधर ग्लासेस पड़े हुए हैं, यू नो थिंग्स लाइक दैट. आई मीन देयर आर मेनी थिंग्स जो कि आप बच्चे के जरिए आप अपनी ज़िंदगी, जब आप उसकी एक चीज़ को मेंटेन रखते हैं तो आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाती है. एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चे को सिखाना बड़ा ज़रूरी है ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी जो है वो एक यू नो लाइक सो दैट दे देमसेल्व्स बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड बेटर ह्यूमन बींग्स. एब्सोल्युटली. ये जो अभी नादिया ने भी कहा आमना कि बच्चे का ये जो आपसे एक कनेक्शन है, फॉर इंस्टेंस अगर हम इमोशंस की बात करें कि उसको इमोशनली इतना मेच्योर करना, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिलाना, हैविंग दिस चैलेंज इन माइंड कि आपके पास टाइम कम है, क्वालिटी टाइम, तो किस तरह से वो बॉन्डिंग हम डेवलप कर सकते हैं कि बच्चे को ये पता हो कि अगर मुझसे कोई गलती भी होती है तो मैं जाकर अपने माँ बाप को बता सकता हूँ, इतने अंडरस्टैंडिंग है मेरे माँ बाप. कैसे इस चैलेंज को हम बच्चे ना बहुत ज़्यादा मॉडलिंग पे यकीन रखते हैं. क्योंकि हम बोलते हैं उनको सिखाएं मुँह से, तो वो इस बात पर यकीन नहीं रखते देन कि वो आपके बिहेवियर को नोट कर रहे होते हैं. तो अभी एक न्यू रिसर्च आई है जिसमें बताया जाता है मदर और चाइल्ड के बॉन्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हस्बैंड और वाइफ का बॉन्ड जो बच्चा देख रहा है. सो हम हमेशा से थेरेपिस्ट बात करते हैं कि मदर चाइल्ड आपकी जो है ना फ्यूचर की प्रिडिक्शन देते हैं कि आपकी आपके फियॉन्सेस के साथ या आपके पार्टनर्स के साथ किस तरह की अटैचमेंट बिल्ड होगी. पर उसमें एक नया ट्विस्ट है जिसमें कहा जाता है बच्चे जिस तरह अपने पेरेंट्स की अटैचमेंट को देखते हैं वो वहाँ से इमोशनल रेगुलेशन सीखते हैं. जब वो देखते हैं कि बाप नाराज़ है, माँ किस तरह रिएक्ट कर रही है, माँ नाराज़ है, बाप किस तरह रिएक्ट कर रहा है, उन दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट कैसे करते हैं, यहाँ से बच्चे देखना शुरू करते हैं. तो इट इज़ नॉट इंडिविजुअल रिलेशनशिप कि मेरा अब्बा से रिलेशनशिप अलग क्या है, मेरा अम्मा से रिलेशनशिप अलग क्या है. इट इज़ अ लॉट ऑफ मेरा इन दोनों के साथ रिलेशनशिप एज एन इक्वल कैसा है और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है. अक्सर हम देखते हैं पेरेंट्स इंडिविजुअल लेवल पे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, पर वो बैक साइड पे अपने रिलेशनशिप को नहीं बेहतर कर पाते. सही. और यहाँ पर एक इमोशनल गैप शुरू हो जाता है क्योंकि फिर हमें चूज़ करना पड़ता है. और बच्चों को एक छोटी उम्र से जब चूज़ करना पड़ जाए कि ये यहाँ पर ठीक हो रहा है या ये यहाँ पर ठीक हो रहा है, कौन सा बिहेवियर वो पिक कर लेते हैं, वो साइलेंट पेरेंट वाला पिक करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाला करते हैं, वो एंगर बिहेवियर पिक करते हैं, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे बिहेवियर्स दिखा दिए. अब वो पिक एंड चूज करेगा और पिक एंड चूज वो अपनी मर्जी से करेगा. कभी कभार ऑन द बेसिस ऑफ ज़्यादा टाइम किसके साथ गुजारा है, ज़्यादा प्यार कौन करता है, ज़्यादा नखरे कौन उठाता है, या कभी कभार ज़्यादा खौफ किस पेरेंट्स से है. क्योंकि फियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पेरेंट्स से अटैचमेंट की. हमें लगता है सिर्फ मोहब्बत आपको अटैच करती है, कभी कभार आप बिहेवियर्स लर्न कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फियर कि फियर कहाँ से ज़्यादा आ रहा है. और फिर जब आप ऐसी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो आप बिल्कुल उसी पेरेंट का रोल इख्तियार कर लेते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना कि आप अपने बच्चे को टुगेदर क्या फीड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सिंगल पेरेंट क्या फीड कर रहा है उनको अलग अलग टाइम. बिल्कुल नादिया, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. फियर जो है
मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि फियर के हर एक अपना तरीका होता है डांटना. पुराने जमाने में हम कहते सिर्फ आंखें दिखाते थे. व्हाट्स योर वे बच्चे को बताना कि दिस इज नो गो एरिया, ये नहीं करना. हाँ, आई ट्रूली फील कि ये जो गुड कॉप बैड कॉप वाली चीज है, इट्स इट इज़ वेरी नेसेसरी. और किसी एक जाहिर है दोनों जो है ना पेरेंट्स के से फेयरफुल रहना वो एक गलत चीज़ है. एक तो पेरेंट को थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी होता है. सो आई एम द स्ट्रिक्ट वन जो कि हर मामले में जो है ना वो बस मुझे जो है वो एक सर्टन किस्म का एक मतलब लाइक जिस तरह कि फॉर एग्जांपल कल जो है वो मेरे बच्चों के जो एक ट्यूटर आते हैं उर्दू के, तो वो घर पे आए हुए थे. तो अब वो यू नो लाइक बच्चों को नहीं पता चला कि वो आ गए हैं. यू नो लाइक वो अंदर लाउंज में बैठे हुए थे, वो सर जो है वो बाहर आए, उनको पता ही नहीं चला यू नो कि वो बच्चे जो हैं वो अंदर बैठे हुए, बच्चों को नहीं पता चला कि सर आ गए. वो मैं हाले कोई 15-20 मिनट या पता नहीं कितना वो बैठे रहे हैं. और बच्चे क्योंकि मेरे ये छोटे बच्चे हैं एक्चुअली, यू नो 10 साल के और 8 साल का, तो उनको नहीं पता चला. तो देन यू नो लाइक दे वो वेटिंग एक्चुअली, बट देन वो सर जो है वो चले गए. तो वो जाहिर है मुझे तो फिर बाद में जब पता लगा कि वो सर बैठे बैठे जब वो चले गए, तो मैंने कहा नो कि अब तुम लोगों का फ़ोन जो है ना मैं ले लूँगी, बिकॉज तुम लोगों को सिर्फ ये होता है कि जी हम बैठे हुए जो है ना हम खाना खाने के बाद हम यू नो अपनी गेमिंग शेमिंग करें या अपना जो कुछ वीडियोज़ देखें या कुछ है. तो मैंने कहा तुम लोगों को अगर पता है कि टाइमिंग्स अगर सर की क्या है, तो फिर तुम लोग जाके तुम लोगों को बैठना है पहले से ही. एंड यू नो लाइक आई बेटर नॉट हियर दिस अगेन. कि देन माई हस्बैंड वॉज लाइक नहीं 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 मैं संभाल लूँगा मैं संभाल लूँ. मैंने कहा कि ये इस तरीके से नहीं है, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ से संभालने वाली बात नहीं है. ये कोई नई बात नहीं है कि सर जो हैं वो आ रहे हैं. अगर उनको पता है कि सर आ रहे हैं, देन दे हैव टू बी रेप्रिमांडेड इन सच अ वे कि उनको पता होना चाहिए कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो कॉन्सिक्वेंसेस वाली चीज़ जो है वो एक बड़ा आई वुड से कि हमारे अगर उस तरीके से देखा जाए ऑन अ मोर होलिस्टिक लेवल यू नो, तो रिलीजियस अगर हम उस तरीके से भी देखें वहाँ पे भी हमें कॉन्सिक्वेंसेस ही जो है वो हमें उसको दिमाग में रखना पड़ता है कि जी इस एक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस है वो जहन्नुम है, इस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस जो है वो जन्नत है. तो हमें इसी तरीके से हम जो है वो उस फेयर में हम रहते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो फिर अल्लाह मियां नाराज ना हो जाए. तो इसी तरीके से माँ बाप का भी जो रिलेशनशिप है वो इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक रिलेशनशिप. यू नो आपको प्यार भी है लेकिन आपको फेयरफुल भी रहना पड़ता है एज एज, और आपको वो इंस्टिल करना है बच्चे में कि ये कॉन्सिक्वेंस होगा इस चीज़ का, इस एक्शन का गलत कॉन्सिक्वेंस है. लेकिन वहाँ पर फिर जो जिस तरीके से अगर हम अल्लाह से प्यार की बात करते हैं, तो इसी तरीके से माँ बाप और बच्चे का जो प्यार वाला रिलेशनशिप है दैट ऑल्सो हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. एब्सोल्युटली. कि आप सिर्फ फियर इंसिल नहीं कर सकते हैं, आपको वो प्यार भी देना बहुत ज़रूरी है. वो बच्चे के साथ एक गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है, बच्चे के साथ एक इन्वॉल्वमेंट, वही जो एंगेजमेंट आ जाती है कि आप खुद बच्चे के साथ किस तरीके से आप वो क्या आप उन उन, उन, उन बातें क्या आप कर रहे हैं, आप उनके साथ कोई एक्टिविटी क्या कर अच्छा, रहे हैं. एक्टिविटी की और प्यार को शो करने की बात हम करेंगे. ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं और जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा फियर वाली बातें हो गई हैं, अब करेंगे कि इन्वॉल्वमेंट किस तरह से बच्चों के साथ करें, दैट क्वालिटी टाइम जो कि हर बच्चे का हक है वो किस तरह से उनके साथ हम गुजारें उस टाइम को, राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक.